आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। सारे बंधन टूट चुके थे। कौन खिलाड़ी है और कौन दर्शक है, एक पल पता लगना मुश्किल हो गया था। और भाई ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि 25 जून 1983 को भारत के लिए एक नया सूरज उगा था। And that's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end. Michael Holin tried to swing that strike. कपिल देव की अगुवाई में 40 साल पहले भारत विश्व कप विजेता बना था। ऐसा न जाने कितनी किस्से और कहानियां हैं जो जितनी बार सुन ले हुआ हर बार रोमांचित कर जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं विश्व कप 1983 की स्टोरी को। अगर अब 1983 के विश्व कप की टीम को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्टइंडीज को छोड़कर सब एक ही जैसी टीम थी। क्रिकेट की दुनिया में वेस्टइंडीज पिछले 15 सालों से राज कर रही थी और इसी के कारण 1983 के विश्व कप जीत का प्रबल दावेदार उसी को माना जा रहा था। आप सोच सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। विश्व कप से ठीक पहले इंडिया ने वेस्टइंडीज का दौरा किया था। वहाँ पर 3 वनडे मैच की सीरीज खेली गयी थी और भारत ये सीरीज हार गयी थी। इसी सीरीज से भारत को अंदाजा लग गया था कि अगर वेस्टइंडीज को हराना है तो उसके सामने एक बड़ा स्कोर करना पड़ेगा और उसके टीम के शुरुआती विकेट को निकालनी होगी। और इंडिया का विश्व कप का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ मैनचेस्टर में हुआ और इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 262 रन बनाए। इंडिया के लिए यशपाल शर्मा ने 89 रनों की पारी खेली थी। हालांकि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। यशपाल की इस इनिंग के बाद इंडिया ने शानदार गेंदबाजी के बदौलत वेस्टइंडीज को 228 रनों पर ऑल आउट कर दिया और ये मैच भारत 34 रनों से जीत लिया। इंडिया का वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग बेहतरीन था। इसके बाद इंडिया ने जिम्बाब्वे को भी हराया, लेकिन फिर इंडिया को बैक टू बैक दो हार मिली, पहला ऑस्ट्रेलिया से और दूसरा वेस्टइंडीज से। वेस्टइंडीज के खिलाफ इंडिया का मैच ओवल में था और इंडिया को 283 रनों का टारगेट मिला था। इस टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया ने 2 विकेट पर 130 रन बना लिए थे और अगले विकेट के लिए 109 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। लेकिन इसके बाद मेलकम की एक तेज बाउंसर ने वेंगसकर की टुड्डी पर लगी और उसका वर्ल्ड कप का सफर यहीं रुक गया। इन सब चीजों के बीच इंडिया का सबसे खराब पल था वह था चोट के कारण टीम इंडिया के साथ ट्रेवल नहीं कर पा रहा था। इंडिया का अगला मैच जिम्बाब्वे से था। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में इंडिया ने 17 रनों पर 5 विकेट गवा दिए थे। इसके बाद कपिल देव जब मैदान पर आए तो कपिल देव ने इसी मैच में 175 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इसके बाद कपिल पाजी ने 12 ओवर की गेंदबाजी की और अकेले के दम पर मैच को जिताया। इस मैच में मिली जीत ने इंडियन टीम के अंदर एक जोश भर दी थी। इसके बाद फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 118 रनों से हराया। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हैरान करने वाला डिसीजन लिया था, पता नहीं क्यों महान तेज गेंदबाज डेनिस टिली को मैच से ड्रॉप कर दिया गया था। इस हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया था और इधर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका था और इंडिया का सेमीफाइनल का मैच इंग्लैंड से था। इंग्लैंड के फैंस ने फाइनल के लिए पहले ही टिकट खरीद लिए थे। इंग्लैंडी फैंस को भरोसा था कि फाइनल इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सेमीफाइनल हुआ तब इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसके बाद इंग्लैंड के फैंस ने अपने टिकट को इंडियन फैंस को सेल कर दिए। फाइनल से पहले हमारे इंडियन टीम लंदन में होम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ठीक बगल में ठहरे थे। फाइनल के लिए फैंस पूरी तरह से उतावले थे। उस टाइम ऐसा वक्त आ गया था कि फाइनल्स के टिकट के लिए फैंस मारामारी कर रही थी और ये फाइनल पूरी भारत देश के लिए एक यादगार फाइनल था। उस दिन को हम कभी भुला नहीं सकते। कपिल देव की कप्तानी में हमारी टीम जिस तरह से खेली वह अनबिलीवेबल था। जब भारत ने 54 ओवर 4 गेंदों में मात्र 183 रन बनाए तो फैंस के चेहरे पर निराशी छाने लगे। उन्हें लग रहा था कि यह टारगेट बहुत ही आसानी से वेस्टइंडीज की टीम चेज कर लेंगे और अपना तीसरा वर्ल्ड कप भी जीत लेंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से मैच को पलटा उसे देखकर भारतीय फैंस नाचने लगे। हर एक विकेट पर जबरदस्त शोर मच रहा था। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 52 ओवर में 140 रन पर ऑल आउट हो गई थी। सही मायनों में 1983 के वर्ल्ड कप की जीत ने भारत में क्रिकेट को एक नई दिशा दी थी। यही कारण है कि लॉर्ड्स के मैदान पर कप के साथ कपिल देव और बाकी टीम के सदस्यों का फोटो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतकर भारत वापस आया तो इनका भव्य स्वागत हुआ। इन्हें इनाम के तौर पर 25,000 रुपये भी मिले थे। लेकिन स्वर के कोकिला लता मंगेशकर ने इंडियन टीम के लिए एक कंसर्ट किया जिससे फंड जुटाया जा सके। लता मंगेशकर के कंसर्ट से टीम के सभी सदस्यों को 1-1 लाख का चेक मिला। यह वह दौर था जब क्रिकेट प्लेयर को बोर्ड से एक टेस्ट मैच का 7,000 और वनडे मैच के लिए 5,000 मिला करते थे। गाइस 1983 का वर्ल्ड कप तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते और कपिल देव की कप्तानी को। वैसे भाई अगर आप लोग ऐसे ही मैच का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। जय हिंद जय भारत।